यार भाई देखो यार, स्विफ्ट का एक्सीडेंट हो रखा है। तो जी, पीओवी ड्राइव का सबसे पहला एपिसोड है आज हमारा। और भाई आज का जो एपिसोड है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई रेनी सीजन के टाइम पे। सबसे पहले भाई कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों को व्यू कैसा आ रहा है, व्यू परफेक्ट है या नहीं। तो रेनी सीजन के टाइम पे आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी ड्राइविंग टिप्स देने वाला हूँ कि रेनी सीजन में आपको गाड़ी चलाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला भाई कि जब भी घर से गाड़ी को लेके निकले, आपको अपना जो टायर प्रेशर है भाई, वो जैसे जनरली अगर आपकी गाड़ी में 33 PSI चाहिए होता है, तो भाई उससे तीन पॉइंट PSI का आपको कम ही रखना है। उसका रीज़न है भाई, क्योंकि भाई बारिश के टाइम पे आपको क्या है भाई, ट्रैक्शन चाहिए होता है ज़्यादा, और वो आपको कम मिलेगा जब आपका जो फुल प्रेशर है उससे आपका 2-3 PSI कम होगा। तो ये मैंने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखी भाई। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो भाई सुख में रहोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको टायर प्रेशर का बताया। दूसरा भाई, घर से निकलने से पहले आपको अपनी गाड़ी के सारे फ्लूड्स को चेक करना है, वेदर इट इज़ इंजन ऑयल और आपका कूलेंट, ब्रेक फ्लूड भी आप उसको कंसीडर कर सकते हो। हालांकि ब्रेक फ्लूड में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, बट हाँ इंजन ऑयल और कूलेंट के अंदर कभी कभार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्लूड्स आपने चेक कर लिए, उसके बाद आपको सबसे पहले भाई, जैसे चाहे सर्दियाँ हैं या फिर बारिश का टाइम है, थोड़ा ठंडक होती है मौसम में, तो गाड़ी को सबसे पहले भाई कोल्ड स्टार्ट पर लगा दें। ये आप गर्मियों में भी फॉलो करेंगे काफ़ी बेटर रहेगा, बट भाई सर्दियों में खासकर भाई गाड़ी को 2-3 मिनट भाई कोल्ड स्टार्ट रखें पेट्रोल पे। अब जैसे मेरी भाई CNG कार है, तो अभी देखो मैं घर से गाड़ी को लेके निकला, मैंने 2-3 मिनट पेट्रोल पे भी स्टार्ट रखी, और उसके बाद भाई 2 किलोमीटर कम से कम मॉर्निंग में भाई आपकी CNG कार आपको पेट्रोल पे चलानी ही चलानी है। थोड़ा सा भाई हमारा जो साइड मिरर है भाई, इसको एडजस्ट कर लेते हैं हल्का सा भाई, इसका व्यू ख़राब आ रहा था। तो मैंने आपको बताया भाई पेट्रोल पे चलानी है 2 किलोमीटर कम से कम मॉर्निंग के अंदर, और शाम को भाई खड़ी करने से पहले, ये जितने भी मेरे CNG वाले भाई हैं उन सब के लिए भाई ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है कि शाम को खड़ी करने से पहले गाड़ी को भाई आपको लगभग 2 किलोमीटर पहले पेट्रोल पे कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी के जितनी भी फ्यूल लाइन्स हैं और जितना भी पेट्रोल का सिस्टम है इसका, वो सारा भाई प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग रहेगा, और कभी भी उसमें फ्यूचर में चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कि अपने वाइपर ब्लेड्स वगैरह भाई, इनकी भी कंडीशन चेक करते हैं टाइम टू टाइम, अगर इनके अंदर से भाई कोई स्क्वीचिंग नॉइज़ आ रही है भाई, उनको तुरंत रिप्लेस करवाएं, क्योंकि भाई वो आपकी विंडशील्ड पे भी स्क्रैच मारेंगे, साथ ही साथ भाई आपका जो विजिबिलिटी क्लियर करने का उनका काम है उसको पूरे तरीके से वो नहीं कर पाएंगे। भाई लेट निकलने का यही नतीजा होता है भाई कि जाम मिल जाता है। अब हमें साइड दे के निकालनी पड़ेगी, और ख़ासकर भाई ट्रक वगैरह से बच के चलाया करो। अच्छा भाई, तो अब भाई मेरी कार पे लगभग 3 किलोमीटर चला ली पेट्रोल पे, इसको मैं CNG पे मैंने शिफ्ट कर दिया। अच्छा भाई, बारिश के टाइम पे चाहे आपकी कार भाई ABS है और चाहे नॉन ABS है, ABS वाली में फिर भी भाई इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है ब्रेकिंग में, क्योंकि भाई ABS वाली कार जो होती है ना भाई, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी स्किड करेगी तो भाई वो सेंसर ABS का जो है वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा, और आपकी जो ब्रेक्स हैं भाई उसको दबाएगा छोड़ेगा, जिससे कि आपकी गाड़ी स्किड तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। बट हाँ भाई, उससे देखो ABS वाली कार्स में ना ये होता है कि आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है भाई वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब ब्रेकिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, भाई देखो यार स्विफ्ट का एक्सीडेंट हो रखा है, इसीलिए कहते हैं भाई ध्यान से चलाया करो, और भाई जल्दबाजी नहीं करनी बारिश के टाइम पे बिल्कुल भी, क्योंकि इस समय क्या होता है आपकी जो रोड्स है ना भाई, रोड्स वो भाई वेट होती है। अब वेट सरफेस पे भाई कभी भी ट्रैक्शन पूरी तरह नहीं बन पाता, स्लिपरी हो जाती है आपकी सरफेस। तो भाई कम से कम भाई 10 से 12 फुट का गैप रखो, जैसे कि मैंने रखा हुआ है भाई गाड़ियों के बीच में। उससे क्या होता है भाई कि जो सामने वाला अगर भाई इमीजिएटली ब्रेक लगा देता है, तो उस केस के अंदर आपको भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी ब्रेकिंग के लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भाई ABS वाली गाड़ी के अंदर हल्का सा ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका हाई हो जाएगा। तो उस केस में भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 10 फुट का मिनिमम गैप रखना है भाई दोनों गाड़ियों के बीच में, ताकि भाई गाड़ियां भिड़े नहीं। भाई इस बारिश के टाइम पे अक्सर ये शिकायत होती है, आपने देखा भी होगा भाई पर्सनली, गाड़ियां भाई लाइन से ठुक जाती हैं। अगर मान लो मेरे किसी भाई की गाड़ी के अंदर ABS नहीं है, तो भाई ABS ना होने के कारण भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ब्रेक है जो ABS जो काम करता है उसको आपको मैनुअली अपने पैरों से करना है, यानी ब्रेक को लगाना है छोड़ना है, लगाना है छोड़ना है। अब जैसे कि ये देखो भाई, यहाँ पे पानी है काफ़ी सारा बारिश का, तो भाई एक तो ये है कि गाड़ी को भाई हाई स्पीड से कभी ना निकालें इन सब चीज़ों में से, इस तरह के पानी में से गाड़ी को कभी भी हाई स्पीड पे ना निकालें। पहली चीज़ ये कि भाई जो साइड में बाइक वाले हमारे भाई जा रहे होते हैं उनके ऊपर भाई पानी की छींटे पड़ने की काफ़ी समस्या हो जाती है। सेकेंडली भाई, ये आपकी गाड़ी के लिए भी हार्मफुल है, अगर आप
काफी सारे पानी में से भाई गाड़ी को स्पीड से निकालेंगे, मजा तो बहुत आता है भाई, वो छींट काफी ऊपर तक जाती है, लेकिन भाई वो आपकी गाड़ी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपकी गाड़ी जहाँ से एयर इनटेक करती है उसके अंदर भी पानी जा सकता है, और साथ ही साथ भाई आपकी जो गाड़ी की क्लच प्लेट वगैरह है उसके अंदर भी पानी जा सकता है। हालांकि क्लच सेट आपका पूरा पैक रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये समस्या आ जाती है। अगर आप पानी में से वाटर क्लॉक्ड एरिया में से भी अगर आप गाड़ी को निकालें तो भाई बहुत प्यार से निकालें, पहले गियर में निकालें, आरपीएम्स हाई होने चाहिए गाड़ी के, और स्पीड भी अंडर कंट्रोल रखें। और जब भी भाई बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही हो, मतलब भाई कुछ दिख नहीं रहा है, कई बार इतनी बारिश होती है कि विजिबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो उस समय भाई अपने हैजार्ड लैंप्स को कुछ इस तरीके से ऑन कर लें ताकि भाई पीछे वाला बंदा अलर्ट हो जाए कि आगे कोई ना कोई व्हीकल चल रहा है। बाकी भाई अपनी ड्राइविंग सीरीज आ रही है और फेब में आ रही है भाई अपनी ड्राइविंग सीरीज, तो भाई स्टे ट्यून्ड। आप लोगों के लिए भाई काफ़ी मेहनत करके मैं ड्राइविंग सीरीज ला रहा हूँ, अपने सारे दोस्तों के साथ भाई शेयर कर देना इसको, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी, चाहे नए ड्राइवर्स हैं चाहे भाई प्रो ड्राइवर्स हैं, दो तरह की ड्राइविंग सीरीज आ रही है भाई यार। बाकी भाई कमेंट करके ये ज़रूर बताना भाई व्यू कैसा आ रहा है, ये पहली बार भाई मैं इस तरीके से शूट कर रहा हूँ, आई गेस भाई अच्छा ही आना चाहिए। अब मेरे को लेफ्ट जाना है, तो ये देखो भाई मैं एक बार बस इसको करूँगा और तुरंत मेरे को लेन चेंज करनी है, और तुरंत से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई आप तुरंत बिना देखे कर लो भाई, मिरर्स में देखना है आपको प्रॉपर तरीके से। IRVM है आपका साइड के, ORVM से भाई ये इसी चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। और हमेशा भाई अवॉइड करें ऐसी जगह से गाड़ी को ले जाना जहाँ पे भाई पानी वगैरह भरने की आपको संभावना लगती है, क्योंकि भाई देखो जहाँ पानी वगैरह होता है ना वहाँ पे एक तो जाम भी लगता है, ठीक है, फ्यूल आपका बर्बाद होगा, साथ ही साथ भाई वहाँ पे, और भाई मैं ना हॉर्न वगैरह दिया करूँगा भाई, मैं इस चीज़ में शर्म नहीं करता भाई कि हॉर्न नहीं देना चाहिए, तो मैं भाई हॉर्न दे के चलता हूँ गाड़ी के अंदर। अगर भाई बारिश के टाइम पे देखो आपकी कार के अंदर भाई फॉग वगैरह जमने लगता है, अंदर भाप वगैरह जम जाती है इनके ऊपर, तो सिंपल सा एक काम करें, ये देख रहे हो डिफॉगर मोड पे करो और इसको रिसर्कुलेशन इसका ऑफ कर दो, हीटिंग मोड पे है और एक या दो नंबर पे अपना भाई हीटर चला लो, विंड स्क्रीन आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। मेरे को अभी ऐसी कोई समस्या हो नहीं रही, मैंने भाई ऑफ कर दिया इसको। मेक श्योर करें कि भाई अगर आपके व्हीकल की कोई सी भी लाइट फंक्शनिंग नहीं है, अब जैसे सामने वाली गाड़ी है इसका सिर्फ एक सेंटर वाला ब्रेक लैंप चलना चाहिए, बाय रूल भाई दोनों ये लेफ्ट और राइट वाले भी चलने चाहिए, लेकिन भाई इनकी कार के किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल रहे होंगे, तो इनको भाई आपको खासकर ध्यान रखना है, इनको आपको भाई फंक्शनल रखना है। यह आपके लिए नहीं है भाई, लेकिन भाई जो पीछे वाला बंदा है भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, उससे भाई उसको रेफरेंस लग जाता है कि कब अगला बंदा भाई ब्रेक ले रहा है। और फॉग लैंप्स का भाई ज़रूर यूज़ करें बारिश के टाइम पे, जैसे कि मैंने यूज़ कर रखे हैं भाई, क्योंकि भाई इससे थोड़ा सा भाई आपकी विजिबिलिटी एनहेंस होती है। अगर अंधेरा का टाइम है भाई तो लाइट्स को तो आप ऑन ही करें, साथ ही साथ भाई फॉग लैंप को भी ऑन करें, क्योंकि भाई उससे एक बेनिफिट ये है भाई जो पॉट होल्स वगैरह हैं उसको ये कवर करता है, आपको भाई विजिबिलिटी में कभी दिक्कत नहीं होगी और गड्ढे वगैरह में जाने के चांसेस गाड़ी के काफ़ी कम हो जाते हैं, और जिनको इतनी चलती है भाई उनको जगह दे दें। बारिश की वजह से काफ़ी शोर मचता है, तो जितना हो सके भाई हॉर्न तो दें, और उसके साथ साथ भाई आप डिपर का यूज़ जरूर करें, क्योंकि भाई डिपर क्या होता है, डिपर बंदे को इजीली विजिबल हो जाता है, ज़रूरी नहीं है भाई सिर्फ रात के टाइम पे यूज़ करें, बट भाई हाँ डिपर को भाई आप बारिश के टाइम पे भी यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। एक ज़रूरी टिप, ब्रेकिंग को अगर एफिशिएंट करना है भाई सिर्फ और सिर्फ भाई आपको अपने ब्रेक्स का यूज़ नहीं करना, साथ ही साथ भाई आपको इंजन ब्रेकिंग भी यूज़ करनी है। इंजन ब्रेकिंग कैसे होती है भाई, सिंपली अपना एक्सीलेटर छोड़ दो और भाई आपकी गाड़ी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम कर लेगी, जिस भी गियर में गाड़ी को रहने दो, और अगर आपको अपनी ब्रेकिंग और भी ज़्यादा एफिशिएंट करनी है तो इंजन ब्रेकिंग के साथ साथ अपनी नॉर्मल ब्रेकिंग का भी आपको भी अप्लाई करें, आपकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। जब भी ज्वाइन हो रही है भाई इंडिकेटर का जरूर यूज करें। अब देखो यहाँ पे गैप काम आता है, एकदम से ब्रेकिंग हुई थी भाई, अभी सारी गाड़ियां एक साथ रुकी थी भाई, तो ऐसे केस में भाई आपका गैप जरूर काम आता है भाई। फर्स्ट वीडियो भाई, जज मत करना इसके अंदर मेरे को, कुछ भी कमी है कुछ भी दिक्कत आपको लगती है भाई कमेंट आप लोगों के लिए फ्री है भाई, आप जरूर बताएं मेरे को, मैं उस चीज पे भाई ध्यान रखूंगा। पता नहीं यार जाम क्यों लग रहा है, मूविंग ट्रैफिक में आपकी गाड़ी है ना भाई, पहले गियर में यूज करना है, लोग क्या करते हैं भाई गाड़ी को रोक लेंगे
दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, भाई फिर उसी से उठाते हैं यार। गियर चेंज करने का भी लोग आलस करते हैं, तो भाई उस चीज़ को अवॉइड करो। अपनी जो भाई ड्राइविंग सीरीज रहेगी ना, उसके अंदर भाई आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा भाई किस तरीके से गाड़ी को, मतलब आपको मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से ड्राइव करना है। मैं सारी कंडीशंस में आपको चला के दिखाऊंगा, चाहे आपके भाई कोई पतली गली है या फिर भाई आपका भरा हुआ ट्रैफिक वाला एरिया चाहे दिल्ली का है। नाइट ड्राइविंग भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ों की मैं आपको टिप्स दूंगा भाई। तो स्टे ट्यून्ड यार, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई एक सब्सक्राइब आपका और एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो वीडियो पसंद आ रही है भाई, अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं करी वीडियो, तो भाई वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब, ताकि भाई आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेके आता रहूं। डबल ब्रेकिंग का यूज़ करना है आपको बारिश के टाइम पे, खासकर वेदर इट इज़ नॉन एबीएस और एबीएस कार, आपको नहीं पता भाई पीछे वाला जो व्हीकल आ रहा है उसके अंदर एबीएस है या नहीं है, तो हो सकता है भाई उसकी गाड़ी स्किड कर जाए। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, ब्रेकिंग जब आप लो पहले थोड़ी ब्रेक लो, फिर गाड़ी को चलने दो, फिर थोड़ी सी ब्रेक और ले लो, उससे क्या है कि पीछे वाली गाड़ी को भाई थोड़ा सा गैप मिल जाता है, ताकि वो आपका इशारा समझ जाए कि आप ब्रेकिंग ले रहे हो इस समय, और भाई वो उसी तरीके से अपनी कार को कंट्रोल करे। इसी प्रकार से भाई आपको सारे ड्राइविंग लाइसेंस मैं आपको देने वाला हूँ, और साथ ही साथ भाई जहाँ पे फुट मूवमेंट की जरूरत होगी वहाँ पे मैं आपको फुट मूवमेंट के भाई क्लिप्स मैं अटैच कर दूंगा। तो भाई जो गार्बेज कलेक्टिंग का ये व्हीकल है भाई, देख लो कितनी अच्छी चीज़ इसने करी है भाई, रिफ्लेक्टर लगा रखा है। रिफ्लेक्टर से क्या है भाई, पीछे वाले बंदे को भाई अलर्टनेस हो जाती है रात के टाइम पे खासकर भाई, ताकि भाई वो आके आपके व्हीकल में हिट ना करे। गाड़ियों में तो ये बेनिफिट है भाई कि हमारी कार्स के जो टेल लैंप्स होते हैं भाई उनके अंदर ही रिफ्लेक्टर होता है। देखो अगर मैं डिपर मारूंगा सामने वाली बलिनों के टेल लैंप्स, देखना ये देखो ये आपके जलने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो ये जो स्पीड कैमराज हैं भाई, इनके अंदर भी ये इसी तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं कि भाई इसके अंदर 5 से 10 किलोमीटर पर आवर का भाई स्पीडो एरर होता है, वो लेके चलते हैं इसको, बट भाई फिर भी अपने व्हीकल को भाई जो स्पीड लिमिट दे रखी है भाई उसके अंदर ही चलाओ, बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ जहाँ पे कैमरा नहीं है भाई वहाँ भगा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो यहाँ कैमरा नहीं है भाई, तो भगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई उतनी भगाना जितनी भाई आप अपने कंट्रोल में रख सको गाड़ी को। बाकी भाई कुछ भी कहो यार, यार वैगन आर सीएनजी भाई चलती बड़ी मस्त है, आप पता लगा ही नहीं सकते आपकी गाड़ी भाई कौन सी फ्यूल पे चल रही है, पेट्रोल पे चल रही है भाई चाहे सीएनजी पे चल रही है, कुछ नहीं पता लगा सकते आप। एक्सयूवी 700 भाई लोगों को मिल नहीं रही है, लोग भाई वेटिंग में चल रहे हैं इस गाड़ी की, कम से कम एक एक साल तक की वेटिंग भाई, उससे ज़्यादा भी मिली हुई है कुछ लोगों को। और भाई हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने भाई एक्सयूवी 700 भाई टैक्सी में लगा रखी। तो भाई AX7 अपना वेरिएंट है और भाई इस गाड़ी को भाई टैक्सी में लगा रखा है, हैट्स ऑफ है भाई ओनर को, हैट्स ऑफ। क्योंकि ऐसी कार जनरली भाई XUV 700 हुई या फिर भाई कोरोला हुई या फिर आपकी कैमरी वगैरह, इस टाइप की कार्स अगर टैक्सी में लगी भाई सोच लेना कि VIP कस्टमर्स ही ट्रैवल करेंगे इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। CNG कार है भाई, ओवरटेक नहीं करेगी, ओवरटेक करने में मिनट नहीं लगाती, चुटकी में ओवरटेक करती है, गियर वेयर डाउन करने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। भाई थोड़ा बच के चल रहा हूँ, बारिश का टाइम है भाई, कब ब्रेक लगानी पड़ जाए कुछ पता नहीं है, तो उस हिसाब से भाई गाड़ी को लेके चल रहा हूँ। भाई मज़ा आ रहा भाई, एक नंबर की साउंड आ रही गाड़ी निकल के, पर भाई फन भी करने का मन करता है भाई गाड़ी से, ज़रूरी नहीं है भाई हर बार माइलेज निकालने के पर्सपेक्टिव से चलाओ आप गाड़ी को। ये देखो भाई चुटकी में ओवरटेक यार, शिट भाई के सीरीज भाई लव है। तो मेरे हिसाब से भाई अब वीडियो को हम एंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को भाई बारिश के अंदर ड्राइव करने के गाड़ी को भाई कुछ टिप्स दिए मैंने, मैंने आपको बताया कि भाई गाड़ी को आपको किस तरीके से भाई ड्राइव करना है बारिश के टाइम पे, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाई कि ब्रेकिंग वगैरह किस तरीके से लेनी है या फिर भाई कितना गैप बना के रखना है गाड़ियों के बीच में, और साथ ही साथ भाई आपको अपने टायर प्रेशर वगैरह का ध्यान रखना है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलाना जिस तरीके से इनको भाई को जल्दी लग रही है। अगली चीज़ ये भाई कि घर से निकलने से पहले फ्लूड्स वगैरह चेक कर लें। तो बस यही था आज की वीडियो में, अब नेक्स्ट भाई आपकी जो वीडियो आएगी वो सीधा आपकी भाई ड्राइविंग सीरीज़ आने वाली है। ड्राइविंग सीरीज़ के अंदर भाई आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, एक एक चीज़ मैं कवर करूँगा, और साथ ही साथ भाई आप लोगों का मेरे को इस पर रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आप लोगों का भाई प्यार बना रहेगा तो भाई हम उससे भी ज़्यादा और अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। बस यही कुछ था भाई आज की वीडियो में, अगर आप लोगों को आज की वीडियो भाई थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ भाई
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।